बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। फायर ऑन और इस पर फ्राई पैन रखेंगे। कल असल में मैंने CILBIR सिलेबस भी बनाया था, तुर्किश एग पोश एग जो बनाए थे पोश एग, तो जनाब आली पानी ज़्यादा था और बर्तन बड़ा था तो वो निकालने में बड़ी तकलीफ हो रही थी। आज मैंने डिसाइड किया है कि छोटा बर्तन मैं रखूँगा और पानी तकरीबन थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे और उसमें बनाएंगे, और अभी बनाएंगे। और फिर कल जो बनाए थे विदाउट ऑयल और वो जो है ना किसी की फरमाइश थी उस पर बनाए गए थे कि विदाउट ऑयल बताएं और लहसुन नहीं बताएं। आज हम उनको अपनी तरह पे बनाएंगे जिस तरह वो बनते हैं, यानी लहसुन डालेंगे और ऑयल के साथ बनाएंगे। पहले इसके सॉस बनाते हैं, तो ये मैं जब तक पानी गर्म होगा हम सॉस तैयार कर लेते हैं। मैंने दो फांके लिए, दो कलियां लिए और लहसुन की उसका पेस्ट बना लिया और ऑयल के अंदर बनाया, पानी डाल के नहीं बनाया, ऑयल के अंदर बनाया क्योंकि आज हम ऑयली थोड़ा सा उसमें आप कौन से कोई भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप है ना जैतून का तेल करें, चाहे नबाताती करें, चाहे बटर करें, तो वो मैंने बना दिया। और जनाब अली ये लहसुन का पेस्ट तल गया, इसमें हम लाल मिर्चे डालेंगे और जना इसको बाद में हम फ्राई करेंगे। लाल मिर्चे जो हैं आप पीसी भी डाल सकते हैं और फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, मोटी मोटी सी कूटी भी डाल सकते हैं, वो भी मैं थोड़ी सी डाल दूंगा, और पेपरिका भी डाल सकते हैं, ये डाल दिया जना, और थोड़ी सी मैं पेपरिका टाइप की पीसी हुई मेरी लाल मिर्च कहीं मिले तो आगे मिलती जना, लाल मिर्च हम डाल देंगे थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी डालूँगा, ये जना लाल मिर्च डाल दी, तकरीबन चाय का एक छोटा चम्मच, आधा आधा चाय का चम्मच तकरीबन ये डाल देंगे। अब जना इसको मिक्स कर देंगे, थोड़ा सा नमक डाल देंगे इसमें, नमक डाल देते हैं, नमक हाथ में लेके डालूं ताकि पता चले कितना जा रहा है, नमक कुछ ज़्यादा है, कम कर देते हैं, वापस बोतल में डाल दिया दोबारा, ये जनाब नमक आ गया, और ये जनाब मैं हाथ साफ करूं, ये पेपर टिश्यू पेपर से हाथ साफ कर लिया दोबारा, और इसको हमने तैयार कर लिया सॉस को, और इस सॉस को हम फ्राई करेंगे। फ्राई करेंगे इससे पहले कि सॉस को फ्राई करें, अंडों को पोश करने यानी पकने के लिए रख देते हैं। दो अंडे लिए मैंने बाहर इसलिए रखे थे कि नॉर्मल उसमें आ जाए, टेम्परेचर में आ जाए, ये एक अंडा जो ना बच गया, नहीं तो इसकी जर्दी अभी टूट जानी थी, मैंने बहुत दूर से मार दिया था। और ये दूसरा अंडा आई, अब जनाब पानी हमारा गर्म है, पानी गर्म है और हमारा पानी गर्म होने में आया, मैंने चूल्हा फ़िलहाल बंद कर दिया क्योंकि ज़्यादा गर्म बॉयल नहीं चाहिए, और थोड़ी सा इसमें सिरका डाल दीजिए, एक से दो चम्मच, कोई भी सिरका डाल सकता है, जो आपका दिल करे वो वाला सिरका डालिए, चाहे एप्पल विनीगर डालिए या कोई और डालिए। और अब चूल्हा में थोड़ा सा दोबारा ऑन कर दूँ ताकि पानी गर्म रहे, और एहतियात के साथ हम अंडों को अंदर, मैंने छोटा बर्तन इसलिए लिया है कि निकालने में आसानी हो, कल थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी निकालते वक्त, तो मैंने सोच लिया कि छोटा चाहिए होगा बर्तन, हर खाना जो है पकाने के बाद आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, और एक्सपीरियंस होने के बाद आपको बात समझ में आती है कि भाई ये चीज़ होना चाहिए वो चीज़ होना चाहिए, और उसको निकालने के लिए भी हम अपना स्पून्स वगैरह तैयार रखते, जो ही होगा हम इसको इंशाल्लाह निकाल देंगे। तो जनाब अंडे हो रहे, जो ही थोड़े सख्त होंगे हम इनको निकाल देंगे,
मीडियम आंच पे बल्कि लो आंच पे आप कर दिए चूल्हे को, और इसको 2.5 मिनट लगते हैं, ये 2.5 मिनट में तैयार हो जाएगा। इतने में मैं कढ़ाई रखता हूँ और दूसरी तरफ सॉस की फ्राई करने की तैयारी करते हैं। जितनी देर में हमारे अंडे 2.5 मिनट लगेंगे, इतनी देर में हम अपने दही को, ये 1 किलो का दही है, यहाँ दही बड़ा ज़बरदस्त और दही गाढ़ा होना चाहिए, इसको दही को सजाते हैं जब तक कम से कम 3 से 4 चम्मच 3 से 4 चम्मच दही को सजाते हैं। और जनाब मैंने दही डाल दिया और हमारे अंडे तैयार होने में आए, उनका भी ध्यान रखना है। ये दही सज गया, हमारा दही सज गया। कुछ छुरी की मदद से मैंने कर दिया, कुछ चम्मच की मदद से, कुछ चम्मच की मदद से। जब अंडे की जल्दी कच्ची रहे, हाफ फ्राई की तरह हो, इस तरह हाफ फ्राई में कच्ची होती है, और जब अगर आपको पक्की चाहिए तो और ज़्यादा पकाएं, 4 से 5 मिनट पकाएं। और जब जनाब और जब वाइट जो है इसका योग जो है वो कच्चा होना चाहिए और वाइट जो है वो पक्का हुआ नज़र आने लगे, तो हम इनको निकाल के अपने प्लेट पर रख देते हैं। थोड़ी सी इसके ऊपर नमक और फ्लेक्स, चिल्ली फ्लेक्स मैंने डाल दिया, ये मेरे घर का बनाया हुआ चिली ज़बरदस्त है, ताकि मज़ा आ जाए। और ऊपर से भी डालेंगे, गार्लिक वाला डालेंगे, और नमक भी थोड़ा सा मैं डाल देता हूँ, और ऊपर से भी डालेंगे, और जैतून का तेल भी डालेंगे भाई, मैं जैतून का तेल भी डालेंगे। ये हमारी पोती जनैर आ गई है, तंग कर रही है, तो पीछे खड़ी मैं हूँ, माशाल्लाह तबारकल्लाह। और अंडे होने के बाद अब अंडों को हम उठाएंगे आराम से, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पहला अंडा मैंने उठाया, पानी निथरने दें, पानी निथरने दें जनाब, आपको दिखाऊं, पानी निथार रहा हूँ, यूं ही पानी निथर जाएगा, उसको उठा के अपने दही के ऊपर। और अब इसके बाद दूसरा अंडा, दूसरा अंडा, दूसरे अंडे को भी हम उठाते हैं। माशाल्लाह तबारकल्लाह जनाब, ये दूसरा अंडा भी उठा लिया, और इसको भी इस तरह से निचा दे, थोड़ा सा पानी आ जाता है, उसको ज़रा निथारने की देर है, और उसमें सफ़ेदी थोड़ी सी रह गई तो वो भी उठा के मैंने डाल दिया। अब माशाल्लाह तबारकल्लाह हमारे अंडे जो हैं वो तकरीबन तैयारी के मरहले पे, सर्विंग के मरहले पे। अब जो सॉस हमने बनाया है उसको गर्म करूँगा मैं, थोड़ा सा पकाऊँगा उसको, ताकि उसका कच्चापन दूर हो जाए, जिसमें लहसुन है, मिर्चें हैं, नमक है। फ्राई पैन मेरा गर्म हो चुका, मैं जैतून का तेल डालूँगा, जैतून का तेल लूँगा, थोड़ा लूँगा, ज़्यादा नहीं, 2 चम्मच खाने के 2 जैतून का तेल डाला, ताकि उसके ऊपर वो जो हमने सॉस बनाया है वो फ्राई हो जाए, और उस सॉस को मैं इसके ऊपर फ्राई कर दूँगा। जनाब सॉस डाल दिया इसके ऊपर फ्राई होने के लिए, इसको मैं पूरी तरह निकाल लूँ, ये सॉस डाल दिया फ्राई करने के लिए, जनाब सॉस हमारा फ्राई हो रहा है, जो ही फ्राई हो जाएगा हम इसको अंडों पे डालेंगे। आपको दिखाने के चक्कर में कुछ सॉस ज़्यादा ही मेरा गर्म हो गया, लाल हो गया, बहरहाल इसको भी तड़के के तौर पे मैंने डाल दिया। डालने के बाद जनाब अभी कार्रवाई बाकी है, पानी के नीचे रख दिया था,
मेरी ट्रे को उसको फ्राई पैन को तवा डाली। अब इस पे हम डालेंगे हरी मिर्च और धनिया, या लाल मिर्च और धनिया, धनिया बारीक बारीक कट के डालिएगा। अब इसमें नमक है, मिर्चें हैं, तेल है। कल जो बनाया था विदाउट ऑयल बनाया था और विदाउट गार्लिक बनाया था, और आज गार्लिक पल है थोड़ा सा, ये ज़्यादा भुन गया मेरा मसाला, जिसको सॉस मैंने कहा था वो थोड़ा सा ज़्यादा भुन गया, आप ज़रा सा कम भुनिएगा। ये थोड़ी सी ज़्यादा भुनने से इसका कलर में फ़र्क आता है, खाने में टेस्ट में फ़र्क नहीं आया। तो जनाब ये हो गया हमारा ज़बरदस्त किस्म का धनिया। धनिया को जितना बारीक हो सके आप काटिएगा, मैं तो क्योंकि आपको दिखाता हूँ और उसी वक्त सारे काम करता हूँ, तो भाग दौड़ गर्मी बहुत, 40 से 50 डिग्री गर्मी चल रही है, लेकिन चार एसी चारों कमरे में, पांचों कमरे में चल रहे, तो इतनी गर्मी कमरों में नहीं होती है, किचन में तो लाजमी बात है। उसकी मैं दरवाज़ा क्योंकि भीड़ दे तो हम बच्चे तंग करते हैं तो गर्मी हो जाती। तो ये डाल दिया और उसके बाद हमने अपना थोड़ी सी चिली, या एक और काम भी हो सकता है, या सॉरी तुर्की समर, तुर्की समर खट्टा लगेगा, खूबसूरत लगेगा, आप जो मर्जी आए इसकी जगह पे डाल सकते हैं, चाहे कोई मसाला डालें, चाहे हरी मिर्च की चटनी डालें, चाहे लाल मिर्च की चटनी डालें। माशाल्लाह तबारकल्लाह ये तैयार हो गया। आज दूसरी डिश भी बनाते हैं, तो वो दूसरी डिश भी आपको दिखाता हूँ।